भाई सदाकत भाई, आज हावड़ा ब्रिज जाते। अबे हाँ भाई चलते यार, बहुत टाइम से कहीं गए नहीं। फ्लाइट बुक करूँ क्या? अच्छा हावड़ा ब्रिज कलकत्ता में ही है। बची हिट ना हो रही, दाढ़ी ना निकल रही, पापा की गाड़ी में मम्मियों की गालियां निकल रही, साले बैड ऐसा शूट ये खुद नहीं है जानते, हम चप्पल की चिंगम पे हाथ नहीं मार मुझे नहीं है। सो हाय दोस्तों, मेरा सेकंड व्लॉग आ चुका है सदाकत बीच में। सो हाय दोस्तों, मेरा सेकंड व्लॉग आ चुका है कोलकाता व्लॉग, सेकंड व्लॉग दोस्तों कोलकाता व्लॉग। आज हम जा रहे हैं कोलकाता। अभी हम कहाँ जा रहे हैं सदाकत? शॉपिंग जा रहे थे। शॉपिंग जा रहे थे सदाकत, तुझको क्या स्क्रिप्ट, क्या फायदा, क्या अगले शॉपिंग के लिए शॉपिंग जा रहे और शॉपिंग आज का शो ऐड हो गया कोलकाता में, तो उसको पहनने के लिए कुछ है नहीं। टैक्सी नहीं है भाई, कचरे का ट्रक है सदाकत। वो पीली दिखी ना भाई, मैं कंफ्यूज हो गया था, वो उल्टी किया किसी। क्या ही खूबसूरत स्ट्रीट यार, एकदम ही मुमरा लग रहा है भाई। हर जगह भीड़ ही भीड़ है, मतलब बहुत ही मजेदार। और ये टैक्सी जो है ना पीले कलर की और एम्बेसडर पुरानी वाली है, मजा ही आ रहा है बैठ के। हाँ सदाकत, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल भाई, क्या झूठा आदमी अभी बोल रहा है गर्मी हो रही है उबर लेने का, ये वो क्या छी यार। भाई एक स्लो मोशन शॉट लेता हूँ ऐसा मॉल का, व्लॉगर्स को मैंने देखा है, ऐसा व्लॉगर लोग ना ऐसा मॉल का जहाँ जाते हैं ना वहाँ से इसका स्लो मोशन लेते हैं। नहीं नहीं मैं लेता हूँ ना, मैं व्लॉगर हूँ ना, तुम नहीं, तुम ऐसे जाओ और ऐसा स्लो मोशन लेते और बैकग्राउंड में कुछ तो म्यूजिक डाल देते हैं लोग, है ना। तो तुम ऐसा वॉक करो तो मैं ऐसा लेता हूँ, तो वो एस्टाब्लिश हो जाएगा कि अपन मॉल पे आए, ठीक है। चलो ऐसे ऐसे नहीं चलता आदमी, उल्टे हो सीधे चलो, ठीक है। चलो अभी मैं धीरे धीरे, हाँ देखो ये मॉल का नाम आ गया, इसको जूम कर दिया और बैकग्राउंड में म्यूजिक कॉपीराइट नहीं आया, अपन खुद ही गा देते हैं। बेखबर बेखबर हडूबे 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 एक दूजे में यहाँ हडूबे। हाँ हो गया हो गया, अभी व्लॉग अंदर शॉपिंग मॉल के अंदर का, ठीक है। ये फुल फुल सेटअप व्लॉगिंग का। हडूबे हडूबे क्या बढ़िया भाई, कितना मस्त मॉल है ना। हाँ सर जी, वीडियो अलाउ नहीं है, वीडियो अच्छा व्लॉगिंग कर रहा था अलाउड। वो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि इधर आओ और आपने जो लास्ट वीडियो लिया उसको डिलीट करो, जिसमें आपने फीचर सिक्योरिटी गार्ड किया। तो आई से ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया उनके सामने। एंड देन फिर मैंने उनको बोला कि मेरे दूसरे फोल्डर में वो वीडियो रहेगा, तो वो मेरा मुँह देख रहा था, मैं उतना बोल के निकल गया। फोटो या वीडियो कैसा अलाउड नहीं हो सकता, अलाउड तुम्हें पता है? ये सब लोग ऐसे तो कपड़े खरीदते, ट्रायल रूम में जाते और फोटो खींचते और भेजते कि इसमें मैं मोटी लग रही हूँ, इसमें मैं पतली लग रही हूँ, इसमें मैं हैंडसम लग रहा हूँ, इसमें मेरी हाइट मेरी लंबी दिख रही है क्या। तो वैसे ही तो आज भी कपड़े खरीदते हैं भाई। अपन ना गलत मॉल में आ गए, यहाँ पर सारे ब्रांड है, मतलब ब्रांड मतलब गुच्ची अरमानी ये सब हो ना, वो मॉल में नहीं आने, यहाँ पर सस्ते स्टोर नहीं रहते, सस्ता स्टोर चाहिए यार। बीइंग ह्यूमन का है बीइंग। तो दोस्तों इसमें क्या मैं पतला लग रहा हूँ क्या, इसमें क्या मैं लंबा लग रहा हूँ, बताओ बताओ कैसा ही है, आप क्या ही बताओगे। व्लॉग रिलीज हुआ होगा तब तक ये धोने में होगा। मैंने भी यहाँ पे एक बंदे से पूछा, स्टोर में जाके ही पूछ लिया कि भाई अपने टाइप के कपड़े कहाँ मिलेंगे, मतलब ऐसा सस्ता ब्रांड जहाँ पे मिले वैसा कोई मॉल दिखा यार। तो उसने मेरे को बताया यहाँ पे साउथ सिटी में मॉल है, सस्ते ब्रांड नहीं बट अफोर्डेबल ब्रांड। ये तो ये गुची ऊँची है यार, ये सब ये नंगा कर देंगे, तो महीने की कमाई नहीं है उतने का शर्ट आता है इतने लोग का, अपने से नहीं होगा भाई। मैं जा रहा हूँ बींग ह्यूमन। लिया ले अंडरवेयर, पिंक कलर के अंडरवेयर कौन लेता है सदाकत। डूबे डूबे क्या बढ़िया सिनेमेटिक शॉट्स ले रहा हूँ मैं।
और बैकग्राउंड में मैं क्या गान कर रहा हूँ, मतलब स्क्रिप्ट गंदी है, वीडियो इट्स लाइक अ गहराइयां का रिव्यू। डूबे अब तो फिर गाना आएंगे उड़े उड़े। ये लोगों ने ये क्रिसमस वाला ही पेल दिया है इन्होंने, ये वैलेंटाइन पे इन लोग समझ गए कि वैलेंटाइन पे घंटा कुछ खर्चा करके फायदा नहीं है, तो इन लोगों ने क्रिसमस वाला ही पेल दिया है। डेकोरेशन सॉर्टेड क्या भाई? देखो भाई मैंने देखो प्लांट नहीं किया था ना यहाँ पे, हाँ फैन फॉलोइंग है ठीक है। क्या चाहिए तुमको? सेल्फी चाहिए। देखो देख रहे हो तुम लेना, अच्छा तू मेरा व्लॉग में भी आएगा। थैंक यू। प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, अरे हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं मतलब देखो यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ तेरा ऐसा तेरे पे मैं ब्लर कर दूँगा। कोई नहीं ब्लर नहीं करेंगे, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पक्का? अरे भाई ठीक है। मास होता नहीं, अब तो ब्लर ही रहना पड़ेगा। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਭਈਆ ਸਰ ਆਪ ਕਿਸ ਕਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ? ਐਸੇ ਰੈਂਡਮ ਫੋਟੋਸ? ਬੜੀਆ, ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਾ ਆਪਕੋ ਲੈ ਲੂੰ ਵਲੌਗ। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ऐसी भागती पब्लिक उससे जब फोटो खींचने जाते हैं तो खुद इतना बड़ा कैमरा लेके दुनिया भर के फोटो खींच रहा है बिना पूछे, और इसको पूछा तो व्लॉग में नहीं आता इनको। सर आ जाओ ना सर, सर भाग रहे सर, सर प्लीज सर प्लीज, यस सर, ये देखो अभी बिना पूछे, ये देखो ये आदमी बिना पूछे ये कपल का फोटो। सर प्लीज सर, सर फॉर अ मिनट सर, रिक्वेस्ट, आई एम मेकिंग अ व्लॉग, सो पीपल हु आर वर्किंग ऑन वैलेंटाइन, आई एम मेकिंग अ व्लॉग, सो आई जस्ट वांट टू से हाय टू माय ऑडियंस। सो मेनी पीपल, यू जस्ट से हाय टू पीपल प्लीज सर, यस प्लीज सर, यस हाय, से हाय, हाँ बस दैट्स इट सर। दो लोगों की प्राइवेसी कैसे ख़राब करनी है, आपसे बेहतर कौन जान सकते हैं। सो सर थैंक यू। बढ़िया शॉपिंग हो गया हमारे को, टी शर्ट शर्ट एक नंबर मिल गए, जीन्स नहीं मिली, जीन्स मैं यही पहन लूँगा भाई, एक हफ्ते से तो वही पहने भाई। डूबे डूबे सिक्स बालीगंज जा रहे, बालीगंज बोलते हैं उसको, मैं बाली गूंगे पढ़ रहा था भाई। बालीगंज जा रहे हम लोग लंच के लिए, और एकदम बोलते हैं मेरे टिपिकल लोकल फिश वगैरह वहाँ पर मिलता है हम लोग वहाँ। आपको आपका गाड़ी देख के मुझे मेरे बेडरूम का याद आ गया भैया, आपका गाड़ी देख के मुझे मेरे बेडरूम का याद आ गया, ऐसा खाने का डब्बा, पानी, ये हाजमोला, ये टी शर्ट, जैकेट, पिलो, सब कुछ बढ़िया एक ही सीट। भैया ने जीरो फक नहीं दिया मेरे को, ब्रेक लेते हैं 3 बजे बंद हो जाते हैं, फिर 7 बजे खुलते हैं डिनर टाइम के लिए, दुकान वगैरह बंद हो जाती है 1 बजे, सब दुकान वाले खा पी के सोते हैं। तो दिस इज फकिंग ब्यूटीफुल, फकिंग बोलने की जरूरत नहीं थी ना, वापस करते हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल, फक लव दिस, ओह फक वापस फक बोल यार, ये समय के साथ कम घूमना पड़ेगा अपने, ठीक है। ओ दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड सो नाइस, इट्स अ बंगलो, और बंगलो के अंदर ही इन्होंने रेस्टोरेंट को कन्वर्ट किया हुआ है, दैट्स अ हिस्ट्री बिहाइंड इट। मुझे कैब में आते वक्त केडिया सर ने बताया, बट वो मुझे बोर हो रहा था। फर्स्ट रेस्टोरेंट है जो अपना नाम एंड एड्रेस सेम रख के रजिस्टर किया है इन लोगों ने, 6 बालीगंज प्लेस, दिस रेस्टोरेंट इज रजिस्टर्ड ऑन इट्स एड्रेस, and this is the first Bengali restaurant chain in India, spread over the world, इनके UK, US बहुत जगह branches हैं। मैं इनको बोला था कि कोई local बढ़िया जगह हो एकदम देसी वहाँ लेके आओ,
ये इतनी महंगी जगह बंगले में लेके आ गए आदमी भाई कसम से। अपने को मिल रहा है कुछ टपरी फपरी होगा जैसा खड़े खड़े तवे पे कुछ ऐसा पलटी करता प्रॉपर। यहाँ पर जमींदार लोग जमींदार का घर। कितनी देर का वेटिंग है? 40 मिनट बोल रहे भाई। 40 मिनट का वेटिंग है मंडे के दिन दोपहर में? 40 मिनट का वेटिंग है। तो मैं इनसे पूछा कि कुछ है आसपास करने को, बट सब सो जाते, सब बंद कर देते दोपहर में, तो क्या करेंगे हम खड़े धूप में 40 मिनट। बढ़िया फूड खाया वहाँ पे, ये बहुत सारे आइटम थी। आप लोग सोच रहे हो बताया क्यों नहीं इतना सारा खाया? तो दोस्तों फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, सिर्फ ब्लॉगर हूँ, थोड़े एथिक्स है मेरे। तो जब फूड ब्लॉगिंग करेंगे तो उस पर फूड का जिक्र होगा, ठीक है। बढ़िया खाना खाया, मज़ा ही आ गया। और अभी हम जा रहे हैं हावड़ा, हावड़ा ब्रिज। लेकिन हमारे जो केड़िया सर है, जो हमारे करता धरता, उनको कुछ काम है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा फालतू गिरे तो चलता रहेगा, मेरा काम इम्पोर्टेंट है। तो मैं बोला ठीक है, तो आप जाइए काम पटाइए, मैं और अपना साथी सदाकत खान हम लोग जा रहे हैं हावड़ा ब्रिज। और अब वो ये जी डी बिरला मंदिर है दोस्तों, ये जी डी बिरला मंदिर यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था। लेकिन यहाँ नहीं दिखा रहा, यहाँ तो आपका वही दिखा रहा है। जी डी बिरला मंदिर के नीचे ऑडिटोरियम है मंदिर का ही, और वहीं पे मैंने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था। सो ब्यूटीफुल प्लेस एंड सो ब्यूटीफुल वेन्यू। और देखो पेंटालून के बाद में था ये, पहले तो और वेन्यू भी इतना खूबसूरत, उसके बेसमेंट में जो है इट्स लाइक 700-800 सीटर। और वहाँ पे परफॉर्म किया था, इट वाज सो गुड, 3 घंटे तक परफॉर्म किया था, एंड या मजा ही आ गया था। तो अभी हावड़ा ब्रिज जाके स्टोरी डालता हूँ, अभी मैं गाने सुनूंगा, ठीक है। वो खाली थी, अरे इधर ही हावड़ा ब्रिज। अब उसको कलर वो पसंद है तुम्हारे को, वो बस पसंद है। अपने बाप का रोड नहीं है भाई, अपने बाप की बस है। कलर तो अच्छा है, मौका मिला तो चढ़ जाएंगे वाली बस में। ब्लू कलर की है और ये रेड कलर की है ना, ब्लू होता है, बट हम लोग ऐसा ब्लू बोलते थे। वो थोड़ा डोंगरी वोंगरी का थोड़ा रह गया। देखो भाई हावड़ा सिपुर, क्या बोल रहे हो? पूछो ना चेंज कितने का टिका, पकड़ के खड़े थे ना। ये कमीशन बोल रहा है, बोले कमीशन क्यों ले रहे हैं? 30 टका रुपए को यहाँ पे टका बोलते हैं, क्या है? बोला इसमें कमीशन देंगे हमारे को, चूतिया बोलते हैं। 10 रुपए में बॉम्बे लेके आएगा क्या? हम लोग को 20 मिनट हो गया, वो बोले 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है बोला था। हम बस में आए, 20 मिनट हो गया, हावड़ा अभी तक नहीं आया। आ गया, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, गले लगाओ उसको। दोस्तों हम लोग सोचे थे कि हावड़ा ब्रिज का हमारे बढ़िया फोटो वोटो खिंचाएंगे, वीडियो बनाएंगे, हम लोग हावड़ा ब्रिज आ गए। अब हावड़ा ब्रिज का हावड़ा ब्रिज है इतना बड़ा, हम लोग हावड़ा ब्रिज के नीचे खड़े, हावड़ा ब्रिज जैसा ही नहीं लग रहा है। तो अभी हमारे को कहीं ऐसी जगह जाना होगा जहाँ से हावड़ा ब्रिज दिखे, मतलब तो समझ लो उसके नीचे से तो कुछ नहीं दिख रहा है। ये हावड़ा ब्रिज है यार, ये पिक्चर में अलग दिखाता है, तो फिर मालूम पड़ा कि अभी दूर जाना पड़ेगा कहीं जहाँ से हावड़ा ब्रिज दिखे। भाई अपन दूर से ही तो आए और अभी वापस दूर जाना पड़ेगा, मिलेनियल पार्क वहाँ से। हाँ वहाँ से अपने को बोट मिलेगी, बोट अपने को ब्रिज के नीचे से लेके जाएगा पानी में से। बोट पानी के अंदर से नहीं, पानी के ऊपर से। ठीक है ठीक है, चलो कहाँ से सामने से पकड़ना पड़ेगा और क्या। ओके भाई चलो, बेखबर। अरे भाई तुम फिर ठुकवाओगे किसी बस से? फिर ठुकवाओगे मतलब क्या? सुबह से तुम्हारे को 50 बार ठुकवा दिया क्या? चलो भागो। हाँ डू भाई।
डूबे वो बैकग्राउंड म्यूजिक में डूबे डूबे डाल दिया मैंने पूरे पूरे व्लॉग में, पूरे व्लॉग में अच्छा लगता है डूबे डूबे डाल दो ना तो लोगों को लगता है कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना दिया, समझ दोस्तों। एक घंटे के बाद जहाँ से हमने बस पकड़ी थी हम वापस वहीं पे आ गए, यहाँ से वहीं पे आ गए, वहीं पे हम लोग इतना चल के जो कहते हैं वहीं आ गए। अब यहाँ से हावड़ा ब्रिज दिखता है जैसा पिक्चर में दिखता है वैसा वाला, हाँ खूबसूरत हावड़ा ब्रिज। और यहाँ पे जो गार्डन है मिलेनियल पार्क उसमें किशोर दा के गाने बज रहे और ये गाने पूरे यहाँ तक भी सुनाई दे रहे घाट पे भी और वो पार्क में भी ऑब्वियसली सुनाई दे रहे होंगे लाउड। किशोर दा के गाने पार्क में बज रहे, ये है ना ब्यूटी। तुम्हारा क्या मानना है किशोर दा के गाने? नहीं किशोर दा के गाने भाई किसको नहीं मानते। ठीक है एक गाना किशोर दा का सुना ऐसे नहीं याद होंगे भाई। नहीं अब तो सुनाओ किसको याद नहीं है, अभी इसने बोला किसको याद नहीं है तो अभी मैं इसको बताता हूँ किसको याद नहीं है। एक गाना, अच्छा गाना मत गाना नाम बता दो कि हाँ ये नहीं, गाना किशोर दा। मतलब तुम मुझे से गाने बता दो मैं बता दो मेरे किशोर दा का कौन सा है, मेरे को ऐसे मुंह पे डायरेक्ट याद नहीं आती। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां इसका पता है। हाँ इसका पता है ये किसका है मुझे नहीं पता, ये उसका एक क्या बोलने का उसको मोहम्मद रफी का ये किशोर दा का नहीं तो किशोर दा अभी मैं बताऊँ। अच्छा ये ये गाना बता दो किशोर दा के, मेरे को बहुत पता है बट मैं ऐसा गाना बताऊं जो तुमको पता ही ना हो, थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा हूं। पता होगा ना भाई। हाँ चल उड़ जा रहे पंछी, ये नहीं है किशोर दा का वो, नहीं आइडिया नहीं इसका। तुम बोले किशोर दा के गाने किसको याद नहीं है, चल उड़ जा रहे पंछी मोहम्मद रफी साहब। किशोर दा का गाना है घुंघरू की तरह बजता ही रहा मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। Love you, Kishore da. The beauty of Kolkata. If you like the vlog, मैं ऐसे usually कहीं भी show के लिए जाता हूँ मैं घूमता नहीं हूँ। Sunday show करने के बाद मैं Monday खास रुका ये vlog के लिए कि मैं Monday को कोलकाता में vlog बनाऊँगा और मैंने ये vlog बनाया आप लोगों के लिए। तो I know मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करता हूँ vlog में और editing वो वही दिखा। I do.